अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल पॉइंट। मेडिकल पॉइंट में खुशामदीद। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि अल्ट्रासाउंड पे हम किस तरह से जानेंगे कि ये लड़का है या लड़की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अल्ट्रासाउंड आप देख रहे हैं, इसको आप गौर से देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। अच्छा हाँ, एक बात आप याद रखिए कि अल्ट्रासाउंड पे गर्ल या बॉय कभी भी लिखा हुआ नहीं आता, ना ही कोई ऐसी वो निशानी शो करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लिखना अच्छी बात भी नहीं है, जायज़ भी नहीं है, और दूसरा ये है कि ये इलीगल है, यानी कि ये जुर्म है लिखना कि आप डिटेक्ट करके बता दें कि लड़का है या लड़की है। हाँ, जबकि अल्ट्रासाउंड पे देखिए डॉक्टर वर्बली यानी सकते हैं, मुँह के जरिए बता सकते हैं, जबकि लिख के बिल्कुल भी नहीं देते। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लड़का है या लड़की आप डिटेक्ट कर सकते हैं, या आप तस्वीर देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये आप प्राइवेट पार्ट देखिए, इस तस्वीर में प्राइवेट पार्ट दिखाया गया है। ये पार्ट जो है, ये देखें तीर का निशान है, आप देख सकते हैं, ये पार्ट है लड़की होने की निशानी, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे इस तरह की शेप आएगी जैसे कोई बर्गर होता है, चीज़ बर्गर, यानी कि चीज़ रख के ऊपर नीचे बर्गर रख दें, इस तरह की शेप आती है। आप ये देख सकते हैं क्लियरली इस तरह की शेप है। अल्ट्रासाउंड पे भी ऐसे ही पता चलता है, बिल्कुल क्लियर आपको वर्जन नहीं आएगा, इसी तरह के वर्जन आएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। जबकि लड़के के लिए ये चीज़ बर्गर टाइप नहीं होता। आप ये देख सकते हैं ये जो साइडों में है दोनों, ये इसकी थाइस कहलाएंगी, और बीच में जो है ये प्राइवेट पार्ट है, चीज़ बर्गर टाइप, तो ये डिटेक्ट करता है कि ये लड़की है। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं इट्स अ बॉय, ये दोनों थाइस हैं, और ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ लड़के का पेनिस और स्कॉटम बाकायदा वाजे होंगे, ये आप देख सकते हैं, इसमें पेनिस जो है अच्छे से वाजे है, तो ये लड़के होने की निशानी है। ये दूसरी तस्वीर को आप देखिए, इसमें हमने आपको क्लियरली बताया है आउटलाइन बना के, ये सबसे पहले तो ये गर्ल को देखिए, ये बीच वाली जगह बिल्कुल चीज़ बर्गर की तरह है, एज यू कैन सी। अब ये बॉय को देखिए, इसमें ये इस तरह की शेप आती है, यानी कि इसमें स्कॉटम पीछे वाले वाजे हो रहे हैं और आगे पेनिस वाजे हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। किसी भी किस्म के सवाल के लिए हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको जवाब देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, एक बात हम वाजे बताते चलें कि 15 वीक्स, 16 वीक्स, 18 वीक्स पे बिल्कुल भी सेक्स या जेंडर वाजे नहीं होती है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अमूमन जो एक्सपर्ट होते हैं वो 20 वीक्स पे आपकी बेबी सेक्स बता देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से अगर आपको डिटेक्ट करना है बेबी जेंडर क्या है, तो वो आपको बताएंगे 25 वीक्स पे या उसके बाद, जो कि बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल सकती है। ये नेक्स्ट तस्वीर को भी आप देखिए, ये थाए हैं, इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय। ये नेक्स्ट तस्वीर देखिए, बॉय एंड गर्ल। जी, तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।